स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। नाइन्थ क्लास, आज डे देखिए 6 जनवरी 2021 और बुध का दिन जमात नहम। लेक्चर नंबर आप लोगों का है 3 और लेक्चर नंबर 3 का उन्वान है सॉरी लेक्चर नंबर 3 है और सबक नंबर आप लोगों का है 4 जिसका उन्वान है शायरों के लतीफे। स्टूडेंट्स, मुसन्निफ इनके हैं, इस लेसन के मुसन्निफ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। तारीख़ पैदाइश है उनकी 1830, तारीख़ वफ़ात है उनकी 1910। और जो आज आप लोगों का होमवर्क होगा उसमें आप लोगों का जाएगा खत नंबर 1। और खत नंबर 1 के यहाँ पे मैंने आप लोगों को खत नंबर 1 का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि खत के अज्जा कितने होते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझनी है कि खत के जो है वो टोटल 5 अज्जा हैं, जिनमें से पहली है पेशानी। पहला उसका जूस है पेशानी, दूसरा है लिकाब, तीसरा है आदाब, चौथा है नक्शे मजमून और पांचवा है खात्मा। स्टूडेंट्स, यहाँ भी मैंने आपका पूरा पैटर्न भी लिखा है खत का। आगरा देखिए, जहाँ हम स्टार्ट करते हैं कमरा इम्तिहान और फिर हम डेट लिखते हैं। ये क्या है? पहला इसका पॉइंट पेशानी, दूसरा है प्यारे अब्बा जान, प्यारी अम्मा जान, जो भी आप जिसको भी खत लिख रहे हैं, आप जिसके लिए भी खत लिख रहे हैं उसका दूसरा जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? अलकाब। तीसरा है अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उसके बाद नक्शे मजमून। नक्शे मजमून का मतलब ये है कि खत में जो भी तहरीर आप लोग लिख रहे हैं, जिस बात के लिए आप खत लिख रहे हैं, जो तहरीर आप लिख रहे हैं वो तहरीर क्या कहलाएगी? नक्शे मजमून। और लास्ट में आप लोगों ने जो भी जिसने भी खत लिखा है, आपकी प्यारी बेटी, प्यारा बेटा, भतीजा, भतीजी, जो भी है, इस तरह से ये आप लोगों के 5 अज्जा जो है बोर्ड पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने इनको देखते हुए समझते हुए इसी तरह से खत लिखना है। अगर आप इनमें से किसी को भी स्किप करोगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे। 0.5 तो हर एक का है मार्क आप लोगों का, ठीक है। यहाँ तक ये था, ये आप लोगों का खत नंबर 1 होगा नतीजा की इतला, वो आप लोगों ने तैयार करना है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो लेसन की तरफ आते हैं, अपने सबक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक से सफ़ा नंबर, टेक्स्ट बुक है आप लोगों की और इसका सफ़ा नंबर है 20। स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 20 ओपन कीजिए, जिसमें जो है वो हमारे पास सबक के मुसन्निफ जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनका तारुफ दिया गया है। आप लोगों को पता है कि हर लेसन और हर नज़म, हर गज़ल से पहले हम जो है नज़म और गज़ल से पहले शायर का तारुफ और सबक से पहले हम जो है वो मुसन्निफ का तारुफ पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टॉप पे आप लोगों को नज़र आ रहा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उनकी तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है 1830। बोर्ड पे भी मैंने मेंशन कर दी है बेटा, बोर्ड पे भी देखिए आप लोग, और साथ में तारीख़ वफ़ात है उनकी 1910। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आज़ाद के ऊपर उन्होंने तखल्लुस की अलामत दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नसर निगार भी थे और वो शायर भी थे, ठीक है ना। यानी आप देख रहे हैं कि आज़ाद के ऊपर जो है वो तखल्लुस की अलामत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलमे दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे। मारूफ यानी वो उनके जो वालिद थे, वो अपने वक्त में, अपने अहद में मशहूर हस्ती थे। एक दिल्ली में पैदा हुए, 1857 की नाकाम जंगे आज़ादी, 1857 की जंगे आज़ादी के मुतल्लिक आप लोगों ने PST में भी पढ़ा होगा, नाइन्थ क्लास की PST में, के जब हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़ी थी मुसलमानों और सॉरी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी गई थी, मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी थी, लेकिन उनमें शिकस्त जो हुई थी वो बुरी तरह से मुसलमान ही पीछे थे। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए, ठीक है। घर बार लूट गया, तलाशे माश में दिल्ली छोड़ी, यानी दिल्ली जो एक उनका सूबा है, उनका शहर का नाम है, सॉरी, तलाशे माश में दिल्ली छोड़ी, लखनऊ और हैदराबाद आ गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए, यानी उनको एक महीने में 15 रुपये मिलते थे, उनकी तो तनख्वाह थी, उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतादिद नसाबी, मुतादिद का मतलब बहुत सी नसाबी, यानी ये जो आप लोगों का सिलेबस है, जो बुक्स जो हैं मदरसों में या स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी उसका जो है उनको यानी नसाब मुरतब करवाया गया उनसे, ठीक है। इनसे मुतादिद नसाबी और दर्सी किताबें, यानी पढ़ने वाली जो पढ़ी जाती हैं बुक्स किसी भी मौजू पर,
लिखवाई। लाहौर में कायम अंजमने पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते दम तक बाकी रहा। जो डेट्स आती है ना, उन डेट्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने जो भी उनके वालिद का नेम है या उनकी 1857 की जंग आज़ादी का जिक्र किया गया है, इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर निगार थे। नसर निगार, आपको पहले बताया था कि नसर क्या है, जो चीज़ पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, नसर, ठीक है। वो अपने असलूब बयान के मौजद भी थे। मौजद का मतलब होता है ईजाद करने वाला, यानी वो तरीका जिस जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया वो खुद ही उसको उन्होंने खुद ही उसको ईजाद किया, ठीक है। यानी उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया बल्कि खुद जो है उनका असलूब बयान था, उनके लिखने का तरीका अपना था। और खातम भी, खातम यानी जिसपे ख़त्म हो, ठीक है। इनका तमसीली यानी मिसाली असलूब बयान, असलूब बयान का मतलब असलूब कहते हैं लिखने को, असलूब बयान में, असलूब बयान इन्हें अपने अहद के अदीबों और नसर निगारों में मुनफरिद बनाता है। यानी जो उनका लिखने का, उनका बोलने का या भी जो उनका तरीका था, उनके अहद के जो उनके ज़माने के और लिखने वाले थे, जो और लिखारी थे, उन सब में से वो क्या थे, मुनफरिद थे, ठीक है। तखयल आफरीनी, अब यहाँ पे जो है उन्होंने उनकी नसर के जो खसूसियात हैं वो बताई हैं कि उनकी नसर की क्या खूबियाँ थी, क्या खसूसियात थी। तखयल आफरीनी यानी ख्याल का खूबसूरत होना, पैकर तराशी, तजस्सुम, तजसीम नगारी, शेरियत और रंगीनी, वाक्या निगारी, नफ्सियाती हकीकत आरई और मुबालगा आरई, इनके असलूब की नुमाया खसूसियात हैं, ठीक है ना। यानी खूबसूरती से वो वाक्यात को बयान करते थे, इंसानी नफ्सियात जो थी उसको समझते हुए वो लिखते थे। उनके जो शेर थे वो क्या थे, यानी उनमें तरन्नुम था, दर्द था, खूबसूरत थे, ठीक है। मुबालगा आरई इनके असलूब की नुमाया खसूसियत है। इनका अंदाज़े बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है। इनका अंदाज़े बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिसने इनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासिर किया। यानी उनका जो अंदाज़े बयान था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और दिलकश था। दिलकश यानी अट्रैक्ट करने वाला था कि लोगों ने उनको फॉलो किया। जो लिखारी बाद में आए, जो बाद के अदीब थे, उन्होंने भी उनके जो नसर थी उसको फॉलो किया, ठीक है। खूबसूरत और दिलनशीन नसर के अलावा इनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज शायरी है। जदीद तर्ज शायरी, जदीद मतलब नई, यानी नई शायरी की नई किस्म से मुतारिफ करवाना, जिसकी इब्तदा अंजमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई, जिसके वो सेक्रेटरी थे। लास्ट में आप लोगों ने गौर से देखना है, ये चीज़ बहुत अहम है जो उनकी तसनीफ बताई गई है। ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ये देखें, ये सारी जो होती है ना तसानीफ, ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में आती है। आज़ाद की तसानीफ में आबे हयात, दरबारे अकबरी, नरंगे ख्याल, कस्से हिंद और सखंदाने फारिस बहुत मशहूर हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम जौक का दीवान भी आज़ाद ने मुरतब किया। मुरतब करने का मतलब क्या है, यानी उसको तरतीब देना। आज़ाद ने मौजूआती नज़में भी लिखी। मौजूआती नज़में यानी जो किसी मौजू पे लिखी गई हों, ठीक है ना, मुख्तलिफ मौजूआत पर। जो नज़में आज़ाद में शामिल हैं, जो उनकी बुक जो है उस बुक का नाम है नज़में आज़ाद, उस बुक में उनकी वो नज़में शामिल हैं, मौजूआती नज़में। इसके बाद हम लोग आते हैं अब अपने सबक की तरफ। सबक का नाम जो है वो है शायरों के लतीफ़े। बोर्ड पर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शायरों के लतीफ़े। स्टूडेंट्स, आप लोग हम लोग जो है वो आमतौर पर ये ख्याल करते हैं कि जो शायर हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, संजीदा मिजाज होते हैं, यानी उनमें जो है वो कहने के मजाक का पहलू नहीं होता। तो इस लेसन में हम लोग यही पढ़ेंगे, बल्कि इसका ये मरकजी ख्याल भी है इस लेसन का। आपको पता है जो भी लेसन हम पढ़ते हैं उसका एक मरकजी ख्याल होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको जहन में रखते हुए जो है वो लिखा जाता है कोई भी सबक। तो इसका भी मरकजी ख्याल यही है कि आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि जो शायर हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज होते हैं, यानी कम वो होते हैं, ज़्यादा
बोलते नहीं हैं या ज़्यादा खुश नहीं होते, वो अपनी ही गुम रहते हैं अपनी हस्ती में। तो यहाँ पे उन्होंने ये इसी चीज़ की जो है वजाहत की है कि शायर सिर्फ और सिर्फ संजीदा ही नहीं होते, बल्कि उनकी जो हंसी मजाक की जो हिस होती है वो बहुत ही तेज होती है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लताइफ दिए गए हैं, कुछ बहुत आला दर्जे के शौरा के जो इस लेसन में दिए गए हैं, जो अभी आप लोगों के सामने मैं पढ़ूंगी। तो उनकी ज़राफ़त, यानी ज़राफ़त का मतलब है हंसी मजाक की हिस तेज होती है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ संजीदा नहीं होते, उनके आपस में ताल्लुकात जो है, यानी रवादारी के ताल्लुकात हैं, तहम्मुल और बर्दाश्त यानी उनकी शख्सियत की अहम खसूसियात होती हैं, जो शोरा हजरात होते हैं, तहम्मुल बर्दाश्त और यानी दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखना, बड़े कहने के सेंसिटिव लोग होते हैं। ठीक है ना, एहसास करने वाले। और उनके इसी लेसन में जब आप लोग लताइफ भी पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका अंदाज़ गुफ्तगू कैसा था। और कुछ ऐसे अशआर हैं जो ज़बान ज़द आम अशआर जो हैं मौका महल के मुताबिक इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जो बहुत जो है वो पॉपुलर भी हुए हैं। अब पहला लतीफ़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर, मीर और मिर्ज़ा ठीक है ये दोनों ही शायर थे, कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। अब ये देखें, अब आप लोगों को पता है ना कि हर लेसन की ये वाला जो फर्स्ट वाला ही पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, ये आप लोगों की तशरीह के हवाले से भी ये आप लोगों का अहम पैराग्राफ है, बहुत सारी आप लोगों के जो बोर्ड्स के पेपर्स हुए हैं उनमें ये आ चुका है। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है और देखना है कि किस तरह से आप लोग तशरीहात करते हो। तशरीहात आपने देखें, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको मायनी में उनको कन्वर्ट करके फिर उसका जुमला जो है वो तरतीब देकर हम तशरीह उसकी जो है वो लिखते हैं, यानी सलीस उर्दू भी उसको कहते हैं, और आसान अल्फाज में लिखी गई जो तहरीर होती है। ठीक है ना, मुश्किल अल्फाज से आसान में उसको कन्वर्ट कर देना। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। दो शख्सों यानी दो आदमी थे और उन्होंने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के लिए ना उन दोनों के दरमियान में बहस छिड़ गई। तकरार का मतलब बहस होना और तूल खींचा का मतलब है यानी बहस जो थी वो लंबी हो गई। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। अब ये जो दोनों लोग थे, ये दोनों ही ख्वाजा बासित जो थे उसके वो शागिर्द थे। मुरीद कहते हैं शागिर्द को, शागिर्द कौन होता है जो किसी से भी इल्म सीखे, किसी से भी तालीमात हासिल करे। उन्हीं के पास गए और अर्ज की के आप फरमाए। फिर वो अपने जो थे उनके मुर्शिद थे वो उसके पास चले गए हैं और उनसे कहते हैं कि उनसे जाके अपना मुद्दा बयान किया और सारी बात बताई और कहा कि आप ही बताएं हमें इस मामले में क्या मतलब इसका होगा कि कौन इन दोनों में से ज्यादा जो है वो आला पाए का शायर है। उन्होंने कहा दोनों साहिब कमाल हैं। साहिब कमाल का मतलब ये है कि दोनों ही अपने काम के माहिर हैं। ठीक है, मगर फर्क इतना है कि मीर साहिब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहिब का कलाम वाह है। यानी मीर साहिब जो है उनका कलाम आह, आह कहते हैं अफसुर्दगी को, दुख को, रंज को। ठीक है ना, कि यानी उनका जो कलाम है वो दुख से भरा हुआ है और मिर्ज़ा साहिब का कलाम जो है वो वाह है। वाह का मायने क्या है, यानी खुशी से लबरेज है। ठीक है, मिसाल में मीर साहिब का शेर पढ़ा, फिर ख्वाजा बासित जो थे उन्होंने उसकी मिसाल देने के लिए फिर उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। शेर कुछ ऐसे है, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। टुक का मतलब यहाँ पे जो है मतलब है थोड़ा सा, जरा सा, यानी ठीक है ना, अभी टुक रोते रोते सो गया है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत। बाली कहते हैं सरहाने को, ठीक है ना, जो तकिया हम सर के नीचे रख के सोते हैं ना उसको बोलते हैं बाली। खुदा में अदब बोले, खुदा में अदब यानी खिदमत करने वाले जो उनके थे वो अदब से बोले अभी आंख लगी है। यानी कि इनके जो है ना सर के ऊपर जो है वो शोर ना करेंगे, इनके करीब जो है शोर ना करें, जो उनके खिदमतगार थे वो बोले इनकी आंख अभी लगी है, यानी वो अभी सोए हैं। यहाँ पे शोरे क़यामत का मतलब है यानी क़यामत के दिन जैसा शोर। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्ज़ा ने मीर साहिब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। यानी उनमें से जो एक शख्स था वो मिर्ज़ा के तरफदार थे। तरफदार होना मतलब क्या है, यानी उनकी साइड लेना या उनके साथ उनकी साइड के थे। वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा जो था
ध्यान किया मिर्जा भी मीर साहब के शेर को सुनकर, मीर के शेर को सुनकर मुस्कुराए, ठीक है ना। और शेर फिर आगे से जो मिर्जा थे उन्होंने उसका क्या जवाब दिया कि शेर तो मीर का ही है मगर दाद फाही, दाद फाही का मतलब यहाँ पे पता क्या है, फरियाद। वो कहते शेर तो मीर का ही है लेकिन उसमें जो फरियाद की गई है ना वो ऐसे लगता है जैसे उसकी उनकी दद्दा दद्दा जो है पालने वाली माँ आया वगैरह जो भी है ना, ठीक है। कि यानी कि शेर तो मीर का ही है लेकिन लग ऐसे रहा है जो जैसे इसमें जो फरियाद की है वो उनकी दाया ने की हो, ठीक है। समझ आई आप लोगों को? ये यहाँ तक आप लोगों का एक लतीफा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा है एक दिन सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है ये। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे, लोग अपनी अपनी गजलें पढ़ रहे थे। एक शरीफजादे की 12-13 वर्ष की उम्र थी, उसने गजल पढ़ी, मतला था। मतला के बारे में मैंने गजल जो लेक्चर नंबर 2 हुआ है बहुत आप लोगों को वजाहत से बताया है कि मतला क्या होता है। गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हो वो गजल का मतला कहलाता है। दिल के पुपोले यानी छाले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ठीक है। उसने ये शेर पढ़ा, एक नौजवान था मुशायरे में, उसने ये शेर पढ़ा। गर्मीय कलाम यानी गर्म कलाम होने की वजह से, ठीक है, यानी खूबसूरत कह लेंगे आप इस कलाम को, यानी गर्मीय कलाम से मुराद ये है कि कलाम का बहुत ज्यादा खूबसूरत होना। और उस एज में जब खेलने कूदने की एज हो यानी कि 12-13 साल की बर्स में इतना आला पाए का कलाम कहना या शेर कहना, ठीक है ना। गर्मीय कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े, सौदा यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ये हैं शायद, पूछा है कि मतला किसने पढ़ा है। तो फौरन से जो थे सौदा उन्होंने ये पूछा, जो हाजरीन मजलिस थे या महफिल थे उनसे पूछा कि ये शेर किसने पढ़ा है, मतला गजल का पहला शेर किसने पढ़ा है। लोगों ने कहा हजरत ये साहिबजादा है, लोगों ने उसकी तरफ इशारा करके बताया कि ये लड़का है। सौदा ने भी बहुत तारीफ की, उन्होंने यानी बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियां लड़के जवान होते नजर नहीं आते, उन्होंने उसके बारे में ये यानी के कह लेंगे राय दी। खुदा की कुदरत के उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया, ठीक है। थर्ड आप लोगों का लतीफा यहां से स्टार्ट होगा। एक दिन इंशाउल्लाह खान जुर्रत की मुलाकात को आए, ठीक है, दोनों ही शायर हैं। देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे, कौन सोच रहे थे, इंशाउल्लाह खान। उन्होंने पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो, किसने पूछा, जुर्रत ने पूछा, उनसे पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो। जुर्रत ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है, ख्याल में आना का मतलब क्या है, जहन में आ जाना, ठीक है ना, यानी वारद हो जाना कि एक मिसरा जो है वो तो मेरे दिमाग में आ गया है, चाहता हूं कि मतला हो जाए। कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गजल का जो है वो मतला लिख दूं दूसरा मिसरा भी लगाकर। उन्होंने पूछा कि क्या है, जुर्रत ने कहा खूब मिसरा है, खूब मिसरा का मतलब यानी है बहुत ही खूबसूरत मिसरा है, ठीक है ना, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक ना सुनाऊंगा। लेकिन इंशा ने जुर्रत को आगे से कहा कि फिक्रा जो मिसरा है वो तो बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं उस वक्त तक आपको ये फिक्रा नहीं सॉरी मिसरा नहीं सुनाऊंगा जब तक मेरे माइंड में दूसरा मिसरा नहीं आ जाता। तो तुम मिसरा लगाकर इसे भी छीन लोगे। वो कहते हैं कि अगर मैं आपको ये वाला मिसरा सुना दूंगा तो क्या करोगे कि तुम अगला मिसरा जल्दी से लगाकर जो है वो शेर मुकम्मल कर दोगे, इसलिए मैं जो है वो आपको ये मिसरा नहीं सुनाऊंगा या ये नहीं बताऊंगा। इंशाउल्लाह खान ने कहा जुर्रत से, इससे मतलब क्या हुआ कि जो जुर्रत थे उनकी कह लें कि उनकी बहुत बड़ी खूबी कह लें या उनकी एक शार्प मिस कह लें या हाजिर दिमागी कह लें कि उनको जो है वो शेर मुकम्मल करने पर कुदरत हासिल थी कि वो बहुत जल्दी से जो है वो मिसरे मुकम्मल करके शेर मुकम्मल कर लेते होंगे, कि इस वजह से जो है वो इंशा जो है उन्हें बताने से कतरा रहे हैं कि मैंने जो है वो पहला मिसरा आपको नहीं बताना। अब सैयद इंशा जो थे उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था, ठीक है ना, वो नाबीना थे। सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, आखिर जुर्रत ने पढ़ दिया इस उस जुल्फ पे फब्दी शबे दिजोर की सूजी। सैयद इंशा जो थे ना उन्होंने बहुत असरार किया, आखिर जुर्रत ने पढ़ दिया इस जुल्फ पे फब्दी शबे दिजोर की सूजी। अब जुल्फ जो है वो भी काले रंग की है, फब्दी का यहाँ मायने जो है वो है
मानिंद करार देना। शबे दिजोर काली रात को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सैयद इंशा जो थे, जो जुरत थे ना, वो थे नाबीना, ठीक है ना। सैयद इंशा जो थे वो इस रात मुझे कर रहे थे कि मुझे जो है वो मिसरा सुनाए, मिसरा पढ़ के सुनाए, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने जल्दी से जो आखिर जुरत जो थे, उन्होंने जल्दी से जो है वो मिसरा पढ़ दिया कि इस जुल्फ पे फपती शबे दी जोर की सूझी, कि उन्होंने जो है वो जुल्फ को जो है वो काली अंधेरी रात से तशबीह दी। फपती का माइनिंग जो होता है मानिंद, इसका वर्ड टू वर्ड जो माइनिंग है वो है मानिंद, यानी किसी तरह का होना, ठीक है ना, मानिंद करार देना। तो उन्होंने कहा कि इस जुल्फ पे फपती शबे दी जोर की सूझी, कि ये जो जुल्फ है ये काली रात की मानिंद है। और सैयद इंशा जो थे वो बहुत ज्यादा, यानी कि उनकी तेज थी हिस्स, उनके उन्होंने फौरन से जो है वो मिसरा लगा दिया। जिस बात से जुरत डर रहे थे, उसी बात में वही काम हुआ कि उन्होंने जल्दी से वो मिसरा मुकम्मल कर दिया। उन्होंने आगे से कहा कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, कि एक अंधा इंसान जो है उसको जो है वो अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, यानी कि उन्होंने अंधेरे में बहुत दूर का सोचा, ठीक है बेटा। यानी इंशाउल्लाह खान जो है वो बहुत तेज थे, यानी मिसरे मुकम्मल करने में, शे मुकम्मल करने में, सॉरी बेटा, जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। जुरत जो थे वो नाबीना थे, ठीक है ना, उनको वो हंस पड़े आगे से, ओके, इसी बात से तो मैं डर रहा था कि अगर मैंने जो है वो पहला मिसरा पढ़ लिया तो इसने फौरन से दूसरा मिसरा लगाकर जो है वो शेर मुकम्मल कर देना है, और वही काम हुआ, ठीक है। तो वो जल्दी से अपनी लकड़ी, लकड़ी कहते हैं जो स्टिक पकड़ी थी उन्होंने, लाठी जो पकड़ी हुई थी उन्होंने, वो उठाई और उनके पीछे जो है वो मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते रहे। टटोलना मतलब हाथों से ढूंढना, ठीक है ना। यहाँ तक ये एक आप लोगों का हो गया, थर्ड वाला लतीफा कंप्लीट हो गया। अब चार नंबर पे आ जाइए आप लोग। एक मुशायरे में शेख अमाम बख्श नासिक, ये सारे शोरा हैं जी। एक मुशायरे में शेख अमाम बख्श नासिक ऐसे वक्त पहुंचे कि जलसा खत्म हो चुका था, यानी जो मजलिस थी वो इख्तिताम को हो चुकी थी, इख्तिताम पजीर हो चुकी थी महफिल, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शोरा अभी भी मौजूद थे, ये जाकर बैठे। और यानी कि शेख अमाम बख्श नासिक जो थे वो महफिल में गए, लेकिन महफिल जो थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये भी शायर हैं, और इनके अलावा भी कुछ शायर थे जो अभी भी बैठे थे, तो ये भी वहां पे जाकर बैठ गए ताजीम रस्मी, यानी रस्मी ताजीम यानी दुआ सलाम के बाद, और मजाज कुर्सी यानी एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहिब को मुशायरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुशायरा तो खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, कि आप सभी आपसे मिलने के शौक रखते थे कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन आप जो है वो देर से पहुंचे हैं, तो मुशायरा तो खत्म हो गया। शेख साहिब ने ये मतलब पढ़ा, तो शेख जो थे आगे से ख्वाजा हैदर अली आतिश जो थे, उन्होंने आगे से ये गजल का जो है वो शेर पढ़ा। जो खास है वो शरीके ग्रोह आम नहीं, शुमार दानाए तस्बीह में अमाम नहीं, यानी यहाँ पे उन्होंने खुद को जो है वो इनफरादी बहुत ज्यादा कह लें कि सबसे जो है वो खसूसी पर्सन होना जाहिर किया कि मैं सबसे खास हूँ, कि खास लोग जो है वो ग्रोह आम में शिरकत नहीं करते, ठीक है ना, कि जो खास है वो शरीके ग्रोह आम नहीं, कि जो खास लोग होते हैं वो आम लोगों की महफिलों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं, कि जैसे एक दाना होता है तस्बीह में एक इमाम होता है, लेकिन वो तमाम दानों में वो जो है शुमार नहीं होता। चूंकि नाम भी इमाम बख्श था, इसलिए इमाम अहले जलसा ने निहायत तारीफ की। अगला है जी पांचवा। एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत का इरादा जाहिर करते थे। एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करते थे, और ख्वाजा साहिब यानी हैदर अली आतिश अपनी आजाद मजाजी से कहा करते थे कि मियां कहां जाओगे, दो घड़ी में बैठने को गनीमत समझो, जो खुदा देता है इस पर सबर करो। एक दिन वो आए और कहा कि हजरत रुखसत को आया हूँ। फरमाया खैर बशीत, कहाँ यानी खैर से कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होऊंगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंसकर बोले इतना काम करना कि वहां के खुदा को जरा हमारा भी सलाम कह देना। मतलब यही कि जो खुदा वहां देगा उसी खुदा ने इधर देना है, बशर्ते कि कोई इंसान अगर मेहनत करे, मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं भी आपको जो है वो नहीं कुछ मिल सकेगा। वो हैरान होकर बोले हजरत यहाँ
और वहां का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहिब ने कहा, जब खुदा वहां यहां का एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे जाकर मांगोगे उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहां देगा यहाँ भी देगा, यानी जो खुदा तुम्हें वहां पे देगा वो यहाँ भी देगा, हमें यहाँ से क्यों छोड़कर जा रहे हो? इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफर का इरादा मौकूफ किया। मौकूफ का मतलब क्या है, यानी खत्म कर दिया, और फादर जमीन से बैठ गया, और फिर वो वहीं पे बूढ़े, यानी कि उन्होंने इरादा अपना खत्म करके वो वहीं पे कायम यानी क्याम उन्होंने किया। आगे है जी सिक्स वाला, एक दिन मामूली दरबार था, यानी आम दरबारियों जो मामूल के मुताबिक जो दरबार लगता था वो लगा हुआ था। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक भी हाजिर थे। एक मुर्शिद ज़ादे तशरीफ लाए, मुर्शिद ज़ादे यानी मुर्शिद के बेटे। वो शायद किसी और मुर्शिद ज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहिब की तरफ से कुछ अर्ज लेकर आए थे, यानी बादशाहों की बेगमात जो थी उनमें से वो किसी बेगम का जो था वो कोई पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुख्सत हो गए। हकीम अहसनुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज की, साहिब आलम यानी के वक्त के बादशाह उनको बुलाया अच्छे कलमात से, इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ ले जाना क्या था? यानी वो लड़का आया और बादशाह के कान में कुछ अल्फाज कहे, तो उन्होंने आगे से जो थे हकीम अहसनुल्लाह खान उन्होंने पूछा कि इतनी जल्दी आना और इतनी जल्दी चले जाना क्या माजरा था? साहिब आलम की जुबान से इस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। अब इसमें भी मायनी जो है, जो मानवीयत इसमें छुपी हुई है, इस पूरे जुमले में अंदर के मायने छुपे हुए हैं कि कोई भी इंसान जो है ना तो अपनी खुशी से इस दुनिया में आता है और ना ही अपनी खुशी से जाता है। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देख कर फरमाया, उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा हुआ है? उन्होंने अपने यानी जो उस्ताद थे उनसे कहा कि मिसरा जो है वो ठीक हो गया है। उस्ताद साहिब ने बेतवक्कुफ यानी बगैर देर किए हुए अर्ज की के हजूर लाई गई आत आए कजा ले चली। फिर आगे सुनिए, जो उस्ताद थे उन्होंने शेर की सूरत में ही जवाब दिया, लाई है याद आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। यानी जिंदगी जो है वो इंसान को लाती है और इंसान जो है इस दुनिया में आ जाता है, और जब मौत का वक्त पहुंच जाता है या जब मौत की घड़ी आ पहुंचती है तो इंसान जो है आगे से कुछ भी यानी कोई भी इनकार नहीं कर सकता, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, कोई भी इस दुनिया में अपनी खुशी से ना आता है और ना ही अपनी खुशी से जाता है। लास्ट है जी मिर्जा गालिब की काते बुरहान। काते बुरहान उनकी बुक का नेम है कि बहुत शख्सों ने जवाब लिखे हैं और बहुत जबान दराजियां की, यानी उनकी बुक काते बुरहान के जवाब में बहुत सारे लोगों ने जो है उनके कह लें कि उनके हक में लिखा या कुछ ने जो है वो तनकीद भी की उन पर, जबान दराजियां करना यानी तनकीद की गई। किसी ने कहा कि हजरत आपने फलां शख्स की किताब का जवाब ना लिखा, तो मिर्जा गालिब से किसी शख्स ने पूछा कि आपने फलां शख्स जिसने आपकी किताब जो है काते बुरहान के मुतल्लिक लिखा है तो आपने उसके मुतल्लिक क्यों नहीं लिखा यानी क्यों नहीं जवाब दिया? तो मिर्जा गालिब ने आगे से जवाब दिया, भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? कि अगर कोई गधा जो है वो तुम्हें लात मारे गए तो क्या तुम भी आगे से उसको जो है वो लात ही मारोगे? फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? यहाँ तक आप लोगों का ये लेसन मुकम्मल हो गया। यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज आ रही है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने खत इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है। ये है आप लोगों के मुख्तसर सवालात और जवाबात, दुरुस्त जुमलों की निशानदेही है, यहाँ पे एमसीक्यूज, और ये वाला जो है खाली जगह आप लोगों ने करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फाज के मुज़ाद, क्वेश्चन नंबर 6 है मुज़क्कर और मोनस आप लोगों ने करने हैं। इसमें से मुज़क्कर और मोनस आप लोगों ने अलग अलग करने हैं। कलाम जिस तरह से कि कलाम जो है वो मुज़क्कर है या मोनस, कलाम होता है तो कलाम क्या हुआ मुज़क्कर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एराब है, एराब लगानी है, और यहाँ पे एक जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एक पैराग्राफ के, एक दिन मामूली दरबार था, ये वाला जो पैराग्राफ है इसकी तशरीह भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख के देखोगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और उसके बाद वाहिद जमा है, कॉलम है, ये आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आप लोग अपने होमवर्क की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स। होमवर्क में आप लोगों का है खत नंबर 1 नतीजा की इत्तला, और ज़रबुल मिसाल आप लोगों ने 21 से 40 तक, और सबक नंबर 4 मुकम्मल तैयार करना है जिसमें इसका खुलासा भी शामिल है। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, और अपना काम जो है वो अच्छे से और दिल लगाकर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।